बहुत अच्छा कदम है और इस कदम का ये पहला पहल और इस पहल में अर्थात इस प्यारे से प्रोग्राम को शुरू करने से पहले किरात के लिए मंच पर मौजूद हैं यूसुफ खिलजी जी, इनसे बहुत ही उमदा किरात हम सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बटोरें, जोरदार तालियां हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي العوداد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فطب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فتأكلون الطعوف أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعظم وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यारा सा प्रोग्राम चल रहा है वहीं पर हम इस प्यारे से हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल के इंट्रो की ओर बढ़ेंगे। मतलब इस हॉस्पिटल की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत और उस शुरुआत के दौर से लेके आज तक जो सक्सेस रहा उस सक्सेस को अर्थात मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं। आज का प्यारा सा प्रोग्राम हम और हमारी नफ्सियाती सेहत, इस किताब को हम पब्लिश करने वाले हैं और अर्थात जहां से ये शुरुआत हुई थी वो शुरुआत है हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल। लोगों को हैप्पी करने की नीयत से शुरू किया गया। 2012 सितंबर में जालना रोड पर चेतन ट्रेड सेंटर में किराए की दो छोटी दुकानें ली गई और ओपीडी शुरू की गई। 6 महीने बाद जगह कम पड़ने लगी तो तीसरी दुकान भी ले ली गई और ओपीडी के बेसिस पर ईसीटी भी दिए जाने लगे। 1.5 साल बाद मोतीवाला नगर में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और वहां 3 से 4 पेशेंट एडमिट भी होने लगे। प्रैक्टिस के 3 साल बाद आजाद चौक पर एक जगह खरीदी गई हॉस्पिटल बनाने के लिए और प्रैक्टिस के 34 साल में वहां हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल बनाकर हम शिफ्ट हो गए। वहां पर ओपीडी आज 10 बेड की एडमिशन की भी सहूलियत हो गई। स्पेशल रूम और वार्ड की यहां मौजूद है जहां ओपीडी पेशेंट्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी,
घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, सर दर्द, वसवसे, दांत किल्ली बैठना, बेहोश होना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह यहाँ सभी पेशेंट अक्सर ओपीडी में दिखाते हैं। और एडमिशन वाले पेशेंट जैसे बहकी हुई बातें करना, गैर हकीकी चीजें नजर आना या सुनाई देना, नशे की लत छुड़ाना वगैरह का भी इलाज होता है। ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी की भी यहाँ सहूलत हमारे हॉस्पिटल में है। यहाँ मेडिसिन, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और भी सारे जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अलहम्दुलिल्लाह 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस 10 साल के लिए आप सभी की तालियां जरूर होनी चाहिए, ये 10 साल का सफर है। आज 10 साल हो गए हैं हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल को, और डॉक्टर फैसल खिलजी और डॉक्टर सना कादरी खिलजी को खिदमत को अंजाम देते हैं पूरे 10 साल। इस हॉस्पिटल में साइकेट्रिक यानी मनोविकार तज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, आरएमओ डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रिसेप्शन, हाउसकीपिंग स्टाफ, यह सब खिदमत मौजूद है। हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल ने इन 10 सालों में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए कई कैंप्स और प्रोग्राम लिए हैं। खवातीन नफ्सियाती मरीजों के लिए खास लंबे वक्त के एडमिशन के लिए एक नया हॉस्पिटल कंचनवाड़ी में नाथ वैली स्कूल के पास तामीर किया जा रहा है, जहां सारा स्टाफ और डॉक्टर्स भी खवातीन ही होंगे। 2023 के आखिर तक इंशाल्लाह हॉस्पिटल का काम मुकम्मल हो जाएगा, जो कि डॉक्टर अजीज अहमद कादरी साहब जी के निगरानी में चलाया जाएगा। इसका नाम होगा वुमेन्स हैप्पीनेस सेंटर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अगली पहल यहाँ पे हो रही है। हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल का ये सफर, और इस सफर को हमने देखा टीवी स्क्रीन पर और स्क्रीन के साथ में वीओ के साथ आपने से सुना, जहाँ पे इतना प्यारा माहौल चल रहा है। हमारे जो मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं मेहमानों को हमारा जो मुख्य मंच का है वहाँ पर मदद करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा स्किट है, उस स्किट के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। स्किट क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। स्किट यानी कि कुछ मिनटों का प्ले या ड्रामा, स्किट। और स्किट का नाम है जिन जादू या नफ्सियाती अमराज। जिन जादू या नफ्सियाती अमराज। डॉक्टर साहब, इनके अंदर एक जीन है, इनके अंदर के जीन को निकालिए। डॉक्टर साहब, बहुत छाती में बहुत दुख रहा है, छाती में बैठे ऐसा लग रहा है कुछ, और ऐसा लग रहा है जिन बैठा है, कुछ करिए डॉक्टर साहब। जिन होते हैं मैं भी ये मानता हूँ, पर ये काम जिन की वजह से कर रहा है या नफ्सियाती बीमारी की वजह से, ये चेक करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? बिल्कुल आसान है, कुरान में इसका हल है। अगर आप मौजद है यानी सूरह फलक और सूरह नास, सूरह बकरा और आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो आप जिन जादू से बच जाएंगे। अगर आपको बुरी नजर लगी है आप उससे भी ठीक हो जाएंगे, और अगर कोई ये हमेशा पढ़ता रहेगा तो वो जिन जादू से बचा रहेगा। हमें तो पढ़ना नहीं आता। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم बहुत घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब इससे तो फायदा नहीं हुआ फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जिन जादू नहीं ये एक नफ्सियाती बीमारी है तो फिर ये कैसे ठीक होंगे मैं कुछ टैबलेट्स लिख के देता हूँ आप उन टैबलेट्स को रेगुलरली टाइम पर लीजिए और अगर जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी देंगे ठीक है डॉक्टर साहब और ये किताब हम और हमारी नफ्सियाती सेहत ये भी लो ये आपको आपकी नफ्सियाती सेहत के बारे में बताएगी हाँ मैं पढ़ूंगा डॉक्टर साहब पढ़ूंगा मैं थैंक यू डॉक्टर साहब क्या हो जाए बहुत जरूरी बात थी इस फील्ड में अर्थात जिसे अंधश्रद्धा कहा जाता है जिसके लिए इंडिया के कुछ लोग बखूबी काम करते हैं बहुत जरूरी काम करते हैं और जिसमें आपको बताया गया कि इल्मी तौर से आप इस इलाज को कर ही सकते हैं लेकिन साइंटिफिक रीजन पर आप जब आते हैं मेडिकल रीजन पर जब आते हैं तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो बकायदा इस स्कीम का यही मैसेज था कि आप लोग बिल्कुल आपके आसपास अगर कोई केसेस हैं तो आप पहले उसे इल्मी तौर से करने की कोशिश करके या फिर डॉक्टर की नसीहत लेके ही आगे बढ़े बहुत ही उमदा प्रेजेंटेशन बच्चों की ओर से इनके लिए बजोदा तालियां हो जाए जिसमें एक्टिव थे मोहम्मद खिलजी जी हबाब खिलजी जी और जबील शेख जी प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं हम और हमारी नफ्सियाती सेहत इस प्यारे से किताब को आज हम सब के सामने हम इंट्रो करा रहे हैं और बुक रिलीज के बाद जरूर आप लोग इस बुक को खरीदिएगा देखिएगा बाहर स्टॉल पे आपको ये बुक अवेलेबल है ये बहुत जरूरी है जितने लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं उर्दू को जानते हैं बेशक उर्दू हमारी तहजीब है और उर्दू बेशक जिन लोगों को पढ़ना आती है तो वो बेशक इस किताब को जाते समय स्टॉल से जरूर खरीदें हम और हमारी नफ्सियाती सेहत के लिए इस प्यारे से किताब के रिलीजिंग के लिए जो आज हमारे गेस्ट हैं मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ बुला रहा हूँ जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा डॉक्टर अजीज अहमद कादरी सर प्लीज कम टू स्टेज सर जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा मेरे साथ शोएब खुसरो जी और शाकिब खुसरो जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वे मंच पर आए शारे लक्ष्मीपति जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ ले आए मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना नसीमुद्दीन निफ्ताही जी से कि वे भी स्टेज पर तशरीफ ले आए मौलाना अब्दुल कदीर मद्दी जी आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए मुफ्ती नईम साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए मौलाना जुनैद फारूकी साहब
मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। डॉक्टर मेराज कादरी साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए और कुछ ही देर में हमारे बीच मौजूद होंगे, अर्थात बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी जी, और उनके बाद हमारे शहर की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए जिन्हें हमने चुना है, हमारे शहर के काजदार इम्तियाज जलील साहब कुछ ही देर में हमारे बीच मौजूद होंगे, जो हमारे मेन गेस्ट हैं। वो मंच पर आ गए हैं और कहते हैं कि जब मेहमान घर आते हैं तो उनका परिचय कराना, उनकी पहचान कराना हमारा फर्ज होता है और इसी पहचान के साथ उनकी गुलपोशी करना भी हमारा काम होता है। तो सबसे पहले गुलपोशी के पहले होता है कि हम उस मेहमान का तारुफ करा। सबसे पहले हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अजीज कादरी जी का इंट्रोडक्शन जो करने वाले हैं मोहम्मद जी, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि वे सर का इंट्रो करें। आज से 40 साल पहले सेक्रेटरी में आपने खिदमत को अंजाम देते हुए आज तक आपकी खिदमत जारी है। डॉक्टर कादरी ने लिखी हुई कुछ किताबें, मानसिक स्वास्थ्य, दिमागी सेहत आदि शैक्षणिक समस्या, जिन जादू या नफसियाती अमराज, इन किताबों को उन्होंने लिखा है और पब्लिश भी किया है। उसी के साथ वो किताबें रिलीज भी है, मार्केट में आप पढ़ सकते हैं। इतनी उमदा सबकी पर्सनैलिटी है और जिनके ख्याल हमें सुनने भी हैं, से पहले उनकी गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सना कादरी खिलजी जी से कि वे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अजीज कादरी जी की गुलपोशी करें। सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे मेहमान बनाया आज और गुलपोशी के लिए उन्हीं की बेटी उन्हें पौधा दे रही है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। जितने भी बच्चियों के माता पिता यहाँ बैठे हैं, अब भी बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चों को इतने बड़े लेवल तक पढ़ाना कि अपना ही बच्चा हमारा स्वागत करे, ये बहुत बड़ी बात है। मौजूदा कामयाब है। दूसरे हमारे मेहमान है शोएब खुसरो जी और शाकिब खुसरो जी। अफाज अजीज खुसरो साहब ने औरंगाबाद टाइम्स की शुरुआत 1969 में की थी। औरंगाबाद टाइम्स सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद उर्दू फैली है सेंट्रल महाराष्ट्र में। औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरो साहब और मैनेजिंग एडिटर शाकिब खुसरो साहब यहाँ मौजूद है। मैं खुसरो साहब जी का गुलपोशी करने की गुजारिश डॉक्टर फैजल खिलजी जी से करता हूँ कि वे उनकी गुलपोशी करें। शाकिब खुसरो जी, डॉक्टर शाकिब खुसरो जी, उन्हीं के बीच मौजूद है हमारे गेस्ट शारिक नक्शबंदी जी, मास्टर जर्नलिज्म, अमेरिका, ईरान और नेशनल लेवल पर जर्नलिज्म के सेमिनार में वो शिरकत कर चुके हैं। महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड जिन्हें मिला है, कल तालियां उनके लिए हो जाए। महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड जिन्हें मिला है। ईटीवी, जी टीवी में काम कर चुके हैं पिछले 12 सालों से। एडिटर इन चीफ एशिया एक्सप्रेस के वो बागदार संभाल रहे हैं। अभी यूनिसेफ के साथ हेल्थ जर्नलिज्म पर वे काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, हमारे बीच वो मकसद निकाल कर मौजूद है और शारिक नक्शबंदी जी की गुलपोशी करने की गुजारिश मैं करता हूँ मोहम्मद खिलजी जी से, वे इनकी गुलपोशी करें। मौलाना अब्दुल करीम मंदी साहब उस्ताद जामिया इस्लामी काशिफ उल उलूम से हमारे बीच वक्त से वक्त निकाल कर मौजूद है। उनकी गुलपोशी करने के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमार अलमारी में, मैं सच गुजारिश करता हूँ कि वे खड़े हो जाए। हमारे बीच और एक मेहमान मौजूद है मुफ्ती नईम साहब। मुफ्ती नईम साहब सदर दारुल इफ्ताहा जामिया इस्लामी काशिफ उल उलूम से हैं, हमारे बीच वक्त से वक्त निकाल कर मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ उनकी गुलपोशी, अशरफ शेख जी आप करेंगे। मैं अशरफ जी से गुजारिश करता हूँ कि वे उनकी गुलपोशी करें। डॉक्टर मेहराज जी के बारे में बात करेंगे हमारे यूसुफ खिलजी जी। यूसुफ जी आइए। डॉक्टर मेहराज कादरी साहब ने
MBBS MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से मुकम्मल किया। MD साइकियाट्री उन्होंने सर अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से मुकम्मल किया। पिछले 7 सालों से वो मेंटल हेल्थ सेंटर और कड़ेगांव औरंगाबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नफ्सियाती अगराज में मुब्तला मरीजों का इलाज ही इनकी धुन है, जिसमें ये ना दिन देखते हैं ना रात। इनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और डॉक्टर साहब हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों में मौलाना मोहम्मद जुनैद फारूकी जी भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे वक्त से वक्त निकाल कर आप तशरीफ ले आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्यारे से स्टेज पे सबसे बेहतरीन बात होती है कि हमारे जो जज्बात होते हैं वो जज्बात बयां होना। आज जिस जरिए से हम मिल रहे हैं, अर्थात एक बहुत ही उमदा किताब है जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो किताब रिलीज तब होगी जब हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं इंडिया जलील साहब, उनके आने के बाद ये किताब रिलीज होगी। उससे पहले जो हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं उन्हें हम सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जज्बात बयां करने के लिए माइक पर बुलाना चाहूँगा मौलाना अब्दुल कदीर मदनी जी को कि वे मंच पर आए और अपने जज्बात बयां करें। والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد محترم صدر عالی قدر جناب ڈاکٹر عزیز احمد قادری صاحب شکیب خسرو صاحب مفتی نعیم صاحب ڈاکٹر معراج صاحب ڈاکٹر فیصل ڈاکٹر ثنا اور تمام شرکاء اجلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ आज इस तकरीब में शिरकत करके बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ डॉक्टर फैसल खिलजी और डॉक्टर सना कादरी खिलजी उनके हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और वो इसमें सबको शरीक करना चाहते हैं। और इसी तरह से जो उनकी किताब हम और हमारी नफ्सियाती सेहत उसका भी रस्म जरा है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि 10 साल मुकम्मल करने पर और इस किताब के इजरा पर। यकीनन डॉक्टरी का पेशा एक बड़ा खिदमत का अजमत का वक़ार का पेशा है। मैं आपको बतलाऊं कि डॉक्टरी का पेशा इख्तियार करना फर्ज किफाया है, आलिम दीन बनाना भी फर्ज किफाया है, और डॉक्टर बनाना इंजीनियर बनाना ये सब फर्ज किफाया है, और ये फर्ज किफाया को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो डॉक्टरी का पेशा है वो खिदमत खल्क का अल्लाह को राजी करने का बहुत अजीम पेशा है। हम ये समझते हैं कि खिदमत सिर्फ दीन की खिदमत है, ऐसा नहीं है। इमाम गजाली ने अपनी किताब है उन्होंने दीन में लिखा है कि हजरत अली का कौल नकल किया, अलउलूम खमसा अल-फिक्हु लिल-अदियान वत्तिब्बु लिल-अब्दान वल-हंदसतु लिल-बुनियान वन-नहवु लिल-लिसान वन-नुजूमु लिल-ज़मान। 5 उलूम। पहले कहा कि जो फिका शरीयत का है ये दीन के लिए है, दूसरा कौल उसके बाद था मेडिकल जो बदन के लिए है, तीसरा जो इंजीनियरिंग है वो तामीर के लिए है, चौथा ग्रामर जो जुबान के लिए है, और 5वां इल्म है अज ये वक्त के लिए। इसीलिए डॉक्टर जो बनता है फर्ज किफाया या रही करता है, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि जो नफ्सियात का जो है वो एक अहम इसलिए हो जाता है कि आजकल नफ्सियाती मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ तक कि खुदकुशी तक पहुँच जा रही है नौबत। और एक बात जो बताऊं, इल्म नफ्सियात का जो मुजीद है वो मुसलमान है,
वो अली सीना इसका मुजीद है और वो अली सीना ने किताब लिखी थी अल कानून, 5 जिल्दों में यूरोप में तर्जमा करके 800 साल तक उनकी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई गई। कई ऐसी चीजें हैं जिनके मुजीद मुसलमान हैं। जाबिर बिन हयान कीमिया का मुजीद था, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारज़मी अलजबरा का मुजीद है। अलजबरा जो रियाजी में अलिफ लाम अल ये खुद भी बताता है अलजबरा, आज भी अलजबरा ही कहा जाता है उसको। अहमद बिन मूसा शाकिर ये पहला मैकेनिक का जो मुजीद है, मैकेनिक का वो उसी का है। इल्मुल हेल सबसे पहली मैकेनिक पर किताब उसने लिखी। अबू बकर राजी इन्होंने तो चेचक पर बड़े रिसर्च किए, 100 से ज्यादा किताबें लिखी। और जो ऑपरेशन किया जाता है वो मैं बताऊं कि सबसे पहला ऑपरेशन करने वाला अबुल कासिम ज़हरावी। अबुल कासिम ज़हरावी तो पहले कोई भी जो है ऑपरेशन नहीं करता था, तो नफ्सियात का इल्म जो है साइकोलॉजी ये इसका जो मुजीद है वो अली सीना है। इसीलिए मैं डॉक्टर अजीज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जहाँ इल्म नफ्सियात में वो खुद माहिर हुए, डॉक्टर मिराज को बनाया, अपनी लड़की सना को बनाया। एक तर्जुमा करते हैं लोग अलवाज़ सिरुल लबी, और तर्जुमा ये करते हैं कि बेटा बाप का पर्दा होता है। मैं इख्तिलाफ करता हूँ, वलद सिर्फ बेटे के लिए नहीं आता भी। और उसकी कुरान में मिसाल देता हूँ, यूसी कुमल्लाह की औलाद को लिजा कर मिसरू हदी लुचाई, अल्लाह तुम्हारे औलाद में नसीहत करता है कि तुम जो है वो वरासत का हिस्सा करो। फिर जकर और उनसा दो बताए, तो जो वलद है उसका जरूर औलाद अपने बाप का पर्दा होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर साहब ने अगर लड़की को बनाया तो लड़का भी अलवलद सिर में औलाद बाप का पर्दा होती है। दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीन रास्ते पर चल रहे हैं और 10 साल मुकम्मल किए। मैं डॉक्टर फैसल और डॉक्टर सरत से कहना चाहता हूं कि आपने 10 साल मुकम्मल किए, आपको ज्यादा खिदमत नहीं करनी है, बस 10 पर 1 0 का नुक्ते का इजाफा करना है और बस इतनी खिदमत करनी है आपको, 10 पर 1 0 लगाना है। अल्लाह आपको हयाती दे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हयाती की है वह बहुत लिमिटेड है, बात बहुत सारी हो सकती थी। लेकिन बस मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला डॉक्टर जी साहब को और फैसल खिलजी साहब को और मोहतरमा अनसना कादी खिलजी साहिबा को बेहतरीन जजाए खैर अता फरमाए। और मैं कहता हूं कि अगर कोई मरीज तड़प रहा हो, एक डॉक्टर ने जब उसकी बीमारी को दूर कर दिया तो आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो दुआएं मिलेंगी वो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने किताब लिखकर अपना भी वक्त बचाया और मरीजों का भी वक्त बचाया। क्यों? जब मरीज को बहुत सारी बातें इनको कहनी होती है, लेकिन अभी डॉक्टर आपने बच्चे ने जो मोहम्मद खिलजी ने कहा कि भाई मैं बहुत सारी बातें यहाँ बहुत सारे पेशेंट से बता नहीं सकता, ये किताब ले लो घर जाके इसमें पढ़ो कि हम क्या हिदायत चाहते हैं, कैसे घर का माहौल खुशगवार हो, कैसे ऑफिस का माहौल खुशगवार हो। चूंकि मुझे इसमें थोड़ी सी तसी का मौका मिला, किताब बहुत मुफीद तरीन किताब है, फायदा मंद किताब है, अल्लाह इसके फायदे को आम और ताम करे और इसका बेहतरीन बदला इन दोनों को मुसरफिन को दुनिया और आखिरत में अपनी शाय निशान अदा करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कह रहे किसी सेहत जाननी हो तो उनकी आवाज को सुन लीजिए, बहुत ही बढ़िया स्पीच सर के लिए, पास होगा बढ़िया सर के लिए हो जाए। और जो जिक्र आपने किया है कि सिर्फ 1 0 बढ़ाने की जरूरत है, और बेशक इंशाल्लाह 10 साल में जो मैंने अभी इंट्रो पढ़ा प्रोग्राम का, जिसमें जो उन्होंने काम किया है बहुत ही उम्दा है, और इसी तरह से अगर चलते रहे तो बेशक आपने जो बात कही है 100 साल मुकम्मल होने की, वो इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। और इसके बाद मैं अपने जज्बात बयां करने के लिए मैं शारिक नक्शबंदी जी से गुजारिश करता हूँ कि वे अपने अल्फाज बयां करने के लिए मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اسٹیج پہ موجود محترم ڈاکٹر عزیز قادری صاحب، ہمارے شہر اورنگ آباد سے نکلنے والے اورنگ آباد ٹائمز کے مدیر ایڈیٹر جناب شکیب خسرو صاحب، جو سابقہ میں میرے باس بھی رہ چکے ہیں، جناب مفتی نعیم صاحب اور محترم عبدالقدیر خان صاحب، محترم مولانا عبدالقدیر صاحب،
तमाम मौजूद हजरात अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दरअसल ये पहला इत्तेफाक हो रहा है कि किसी डॉक्टर की तरफ से लिखी गई किताब पे कुछ कहा जाए, वरना सियासी बातें स्टेज पे कहने का थोड़ा ज़्यादा तजर्बा है। बहरहाल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर फैसल साहब को और बहन डॉक्टर सना खादरी खिल्ली साहिबा को कि जिन्होंने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए किताब लिखी। दरअसल डॉक्टर साहब से ताल्लुक काफ़ी पुराना है, जंगल में रहते हुए जब फील्ड पर रिकॉर्डिंग किया करते थे तो डॉक्टर साहब से अक्सर और बेशतर किसी भी इशू के ऊपर बात करने का मौका मिलता था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं कोविड के दौरान फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रहा था, तकरीबन इस शहर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद थे, ऐसे मौके पर अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी तो वो काउंसलिंग की होती थी, साइकोलॉजिकली जो है तो सपोर्ट की होती थी। तो मैंने डरते डरते सोचा, मैंने पहले दूसरे डॉक्टर्स को भी फ़ोन किया कि सर आपका बाइट चाहिए, आपसे मिलना है, लेकिन मुझे कोई खातिरखा रिस्पांस किसी डॉक्टर की तरफ से नहीं मिला। इंशाल्लाह कुर्बान जाइए डॉक्टर फैसल खिलजी साहब पर कि जिन्होंने मेरे फ़ोन पर लब्बैक कहा और मुझे अपने घर बुलाया। कोविड का तजुर्बा तो ऐसा रहा कि जब किसी के घर के करीब से गुजरते पानी मांगते तो पानी भी नहीं मिला करता था, ये खौफ का आलम था, ये मुझ पर गुजरी है मुझे पता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने घर बुलाया, पानी पिलाया, चाय भी पिलाया, और ख़ास बात यह है कि इन्हीं नन्हे मुन्नों ने लाकर पिलाया था। ये नफ्सियाती तरबियत जो बच्चों की जा रही थी कि चाहे दौर कैसा ही हो आपको हालात से निपटना है, ये तरबियत अपने घर से शुरू हो रही थी। तो डॉक्टर साहब का मैंने स्टेटमेंट लिया, डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी क्या है, इसे कैसे लड़ा जा सकता है। और आप यकीन कीजिए कि मेरे फेसबुक पेज पर शायद 11.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस बाइट को देखा और उसको अप्रिशिएट किया, और कई सारे लोगों ने डॉक्टर साहब की इस काउंसलिंग को जो है तो सराहा। तो दरअसल किताब लिखना वाकई बड़ी बात है, लेकिन अपने तजुर्बात की रोशनी में लिखना ये उससे बड़ी बात है। मैं इन दोनों को ख़ासतौर से मुबारकबाद देना चाहूँगा, अल्लाह से दुआ गो कि मेरा जितना तजुर्बा है डॉक्टर साहब के ताल्लुक से, डॉक्टर अजीज़ साहब के ताल्लुक से, यकीन जानिए हज़ारों खानदानों को बिखरने से इन लोगों ने बचाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वालिद को, उनके अहले खाना को और उनके दामाद को एक जरिया बनाया जो कैसे लोगों के टूटते घरों को बचाए। न सिर्फ मियां बीवी के झगड़े, न सिर्फ नफ्सियाती बीमारियां, बल्कि मेरे अपने साथ के वो नौजवान, यहाँ जुनैद फारूकी साहब होंगे तो वो मेरे से ज्यादा आपको बताएंगे इंशाल्लाह, कि वो नौजवान जो नशे की लत में इस कदर मशगूल हो गए थे कि उन्हें ना अपनी फिक्र होती थी ना अपने घर वालों की फिक्र होती थी, डॉक्टर अजीज साहब ने, डॉक्टर फैसल साहब ने बेशुमार नौजवानों की काउंसलिंग की। कई ऐसे नौजवान थे जो इंतहाई गरीब थे। ये बातें इसलिए इस वक्त कहने की जरूरत है कि जब कोई शख्स अगर अपनी जिंदगी में कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसकी खिदमात का अप्रिसिएशन करना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी कमजोरी है कि हम उसके जाने के बाद उसकी खिदमात को याद करते हैं। मेरी समझ यह है कि उसको उसकी ज़िंदगी में अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ताकि उसे समाज के लिए, मिल्लत के लिए काम करने का मज़ीद हौसला मिले और मोटिवेशन मिले। तो कई सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो दवाएं खरीदने की भी सकत नहीं रखते थे, डॉक्टर साहब ने उनके लिए दवाओं का इंतजाम किया। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे किताब पहले मिल गई लॉन्चिंग से। उस किताब में डॉक्टर साहब ने जिंदगी के किसी शोबे को नहीं छोड़ा, हर शोबे को उसमें उसके अंदर कवर किया। तो मैं मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि डॉक्टर साहब की खिदमात को कबूलियत मिले। डॉक्टर सना खिलजी और डॉक्टर फैसल खिलजी साहब की उम्र दराज हो और वो इसी तरह मिल्लत और कम्युनिटी के लिए काम करते रहे। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे बेहतरीन बात इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है कि और हम इंस्पायर किन चीज़ों से होते हैं या किन पर्सनालिटीज से होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जिनसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो सकते हैं, किताबें हो सकती है, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, लेकिन
सोशल मीडिया के दौर में अपने आप को बचाते हुए एक दुनिया का माहौल चल रहा है कि जो दुनिया है ही नहीं उसमें जीने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत ही डरावनी चीज है, तो हमें किससे इंस्पायर होना चाहिए, किससे कुछ चीजें सीखनी चाहिए, ये भी अपने आप पे डिपेंड करता है। शारिक साहब आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए बहुत ज्यादा तालियां हो जाए। और हमारे बीच में हाल ही में मौजूद हुए हैं, मैं मौलाना नसीमुद्दीन निफ्ताही साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने अल्फाज बयां के लिए तशरीफ ले आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही लदीन इस्तफा अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे मोहतरम और अपने बच्चों के मुरब्बी ख़ास डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी साहब, शकीब खुसरो साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मुफ्ती नईम साहब, मौलाना अब्दुल कदीर मदनी साहब और मोहतरम भाइयों और बहनों, आज इंसान तरक्की करते हुए चांद पर पहुंच गया है, लेकिन दिल के एतबार से वो बेसुकून होता चला जा रहा है। अमरीका में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, हालांकि वो अपने आप को तरक्की के मेराज पर समझते हैं। जिस चीज से इंसान को सुकून मिलता है उससे इंसानों की नजरें हट गई है, इसलिए और बेसुकून होता जा रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उसमें इंसान सुकून और आफियत की जिंदगी गुजार सकता है। आपने जीने का वो सलीका अता फरमाया जिससे इंसान सुकून और आफियत की जिंदगी गुजारता है। जहां पालनहार की तालीमात की नाफरमानी होती है वहीं से बेसुकूनी का आगाज हो जाता है। इसलिए मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी उसमें फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब। गौर से सुन लो, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। आदमी अल्लाह के बनाए हुए मुकद्दर पर राजी नहीं होता, इसलिए हालात जो आते हैं उससे परेशान होकर डिप्रेशन में चल जाता है। अगर उसका तकदीर पर ईमान हो, अल्लाह की जात पर यकीन हो और ये यकीन हो कि ये दुनिया की जिंदगी मुसाफिर खाना है, एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ एग्जाम से गुजरना है, एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान हमारा पीछा कर रहा है, अगर अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे तो सुकून ही सुकून है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक शेर कहा कि हर रंग में राजी बराजा हो तो मजा देख, हर रंग में राजी बराजा हो तो मजा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत का मजा देख। ये उन्हें जेल से आजादी के सिलसिले में गए थे, वहां ये शेर लिखा था। अपनी वालदा के इंतकाल पर उनको शरीक जनाजा ना होने दिया गया। तो आदमी आजकल जो बेसुकूनी मायूस हो रहा, कुरान करीम में फरमाया मायूसी से डिप्रेशन पैदा होता है। कुरान में फरमाया वला ययसु मिन रूह इल्ला अल-कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो अल्लाह की जात पर यकीन नहीं रखते। और सूरह ज़ुमर में फरमाया ला तसनतु मिन रहमतिल्लाह। लोगों, इंसानों, पालनहार 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है,
और उसकी रहमत से मायूस ना हो। लेकिन आज माशरा इस बीमारी से जूझ रहा है और मैं हमारे डॉक्टर अजीज अहमद कादरी साहब को पहले मुबारकबाद दूंगा और उनकी अहलिया मोहतरमा जनाब मोहतरमा अंजुम कादरी साहब को कि उन्होंने अपने बच्चों की दीनी तरबियत के साथ साथ उनको इस लाइन में इतना बेहतर जो है तो आपके गुबारा है कि आज डॉक्टर सना खिलजी और डॉक्टर फैसल खिलजी इस जोड़े ने न सिर्फ बहुत से मरीजों की शिफा का सबब बने हैं बल्कि उन्होंने आज एक अच्छी किताब भी लिखी है और उसका इजरा होने जा रहा है हम और हमारी नफ्सियाती सेहत। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुकून और आफियत की जिंदगी अता फरमाए और जो सुकून और आफियत की चीजें हमारे नबी ने फरमाया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट 2019 से औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय सदस्य है वह शहरी विकास यूडी पर केंद्र सरकार की स्थायी समिति के सदस्य और नागरिक उड्डयन पर सलाहकार समिति के सदस्य है वह महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदस्य भी है वह पहले 2014 में औरंगाबाद केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा MLA के सदस्य के रूप में चुने गए थे। हमारे बीच जो मौजूद है ट्रिपल ग्रेजुएट पर्सनैलिटी है जिनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA मास्टर इन कॉमर्स मास्टर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। पत्रकारिता का करियर 1991 से लेकर 2003 तक लगभग 12 साल उन्होंने लोकमत टाइम्स के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया और भी प्रतिष्ठित समाचार चैनल NDTV के साथ 12 साल तक पश्चिमी महाराष्ट्र के ब्यूरो के प्रमुख के रूप में काम किया। 2018 में उन्हें UK सरकार द्वारा 11 युवा भारतीय राजनेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में देश के भावी नेताओं के रूप में लंदन में आमंत्रित किया गया था। सितंबर 2022 में फिर से उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वॉशिंगटन के एक अध्ययन दौरे के लिए आमंत्रित किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा औरंगाबाद शहर की बुलंदाबाद दिल्ली तक पहुंचाने वाले हम सभी के चेहरे खासदार सुनील साहब और मैं गुरुपोशी की गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अजीज अहमद कादरी जी से कि वे उनकी गुरुपोशी करें। जोरदार तालियां सभी की वक्त वक्त निकाल कर जलील साहब यहाँ पे मौजूद हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और हमारी नफ्सियाती सेहत के इस बुकली से जिस मौके के लिए हम सब मौजूद है मैं गुजारिश करता हूँ सभी मेहमानों से और जो इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर सना कादरी खिलजी जी और डॉक्टर फैसल खिलजी जी से गुजारिश करता हूँ वे भी स्टेज पे तशरीफ ले आए और सभी गेस्ट और गुजारिश करता हूँ खड़े हो जाए हम पढ़ रहे हैं बुक रिलीज की हो हम और हमारी नफ्सियाती सेहत बहुत ही बढ़िया पहल यहाँ पर बयां करें। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। इतने जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वे अपने नया मंच पर रखें ये पढ़ना चाहिए। जोरदार तालियां हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। स्टेज पर मौजूद जनाब नसीम इफ्ताही साहब डॉक्टर ए खादरी साहब शारिक नक्शबंदी साहब शकीब खुसरो साहब नफ्सियाती सेहत आज जिस किताब का इजरा किया गया है उसके राइटर डॉक्टर सना खादरी खिलजी और डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी साहब मौलाना जुनेद फारूकी साहब मुफ्ती नईम साहब मौलाना अब्दुल खदीर मदनी साहब मैं सबसे पहले तो डॉक्टर खादरी साहब से माजरत इस बात के लिए चाहता हूँ कि सैटरडे और संडे किसी भी
पॉलिटिकल शख्स के लिए बहुत बिजी शेड्यूल होता है, और इसीलिए मैंने, आपने जब मुझसे ये कहा था कि इनॉग्रेशन के लिए आना है, मैंने उसके लिए रजामंदी तो की थी, लेकिन ये भी दरख्वास्त किया था कि मैं ज़्यादा वक्त माजरत के साथ मैं दे नहीं पाऊँगा करके। मैं डॉक्टर खादरी साहब, उनकी फैमिली को कई सालों से जानता हूँ, शायद उस वक्त से जब मैंने और सैयद रिजवानुल्लाह साहब ने हमने अपने लोकमत का सफ़र शुरू किया था आज से तकरीबन 30 साल पहले, और उस वक्त से डॉक्टर खादरी साहब के कामों से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं। यकीनन ये किताब जो लिखी गई है और जिनके राइटर्स हैं उनको डॉक्टर खादरी साहब के जो एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल चलाते हैं उसमें कैसे अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं और कैसा वो हैंडल करते हैं, तो यकीनन इस किताब में उन तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए ये किताब शायर की गई है। नफ्सियाती सेहत, यहाँ हम लोग जितने भी लोग मौजूद हैं इस हॉल के अंदर, हम लोग अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग आज जिंदा है, क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम सब ने देखा है मौत को बहुत करीब से। ऐसे हालात के अंदर जब लोग अपनी जान दे रहे थे तो साइकोलॉजिकली उनके घर वालों के ऊपर, हर इंसान के ऊपर कैसा असर हो रहा था, ये शायद अगर आज सोचे तो यकीन नहीं होता है कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक वायरस जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उस वायरस की वजह से पूरी दुनिया बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं इसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैगाम भी भेजा है कि तुम कितनी भी तरक्की कर लो, फाइनल बटन मेरे हाथ में ही है, मैं ही ये बता सकता हूं तुम्हारी तरक्की साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, स्पेस में कितनी भी कर लो, लेकिन मैं तुमको आखिर में ये दिखा सकता हूं कि एक वायरस जैसे कोई दुनिया देख नहीं सकती है, उसे पूरी दुनिया में बंद करवा सकता हूं। हमने आज, मैं जब भी उन दो सालों के बारे में सोचता हूं तो ऐसे ऐसे वाकयात मेरे सामने भी आते हैं। मैंने एक नौजवान लड़के को महज इसलिए अपनी जान देते हुए देखा कि उसके वालिद, उसके वालदा दोनों भी कोरोना से इंतकाल कर गए थे, और वो जब लड़के को हल्का सा बुखार आया तो उसने अपने जहन में ये ले लिया कि जैसा मेरे माँ बाप चले गए हैं अब मेरा भी वक्त आ गया। मैं उस लड़के के बारे में इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वो डॉक्टर्स जो उसे अटेंड कर रहे थे उन्होंने मुझसे खास दरखास्त की थी कि इम्तियाज भाई आप इस लड़के को समझाइए, ये अपनी जान बीमारी की वजह से नहीं देगा, अगर देगा तो सिर्फ उस खौफ की वजह से, उस डर की वजह से कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। मैं उस लड़के से मिला था, हालांकि वो माइल्ड कोरोना पॉजिटिव था, और उसे मैं बहुत हिम्मत देने की कोशिश करता रहा कि कुछ नहीं होगा तुझे, देख मैं भी पॉजिटिव था, मैं भी बाहर निकला हूं, उसने मैं हिम्मत देता रहा, लेकिन वो लड़के के जहन के अंदर एक ऐसी बात हो गई थी, लेकिन कोरोना हुआ है तो मौत पक्की है, मरना पक्का है, और आखिरकार एक दिन खबर आई कि वो लड़के की जान चली गई। अब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स भी मानते थे, और मैं भी जब उस लड़के से मिला था तो सिर्फ उसके अंदर एक हैबत थी, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था उसके अंदर कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। आज हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस को हम फेस कर रहे थे कि जहां पर एक नौजवान तबका, जिसे हर रोज डॉक्टर खादरी साहब अपने हॉस्पिटल के अंदर, उनके बेटे अपने हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारा जो नौजवान तबका है वो क्या वजह है कि नशे की तरफ इतना तेजी से बढ़ रहा है करके।
क्या उन्हें सुकून मिल रहा है उस नशे के अंदर? क्या वजह है कि कुछ साल पहले तक कभी हमने इस बीमारी को अपने शहर के अंदर सुना नहीं था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा गढ़ भी हमारा शहर बन चुका है नशे के ताल्लुक से। कहां ऐसी गलती हो रही है हमारे बड़ों से, हमारे नौजवानों से? क्या वजह है कि आज हमारे अस्पतालों के अंदर ऐसे कितने सारे नौजवान, और मैं अगर गलत नहीं होगा डॉक्टर साहब इसका खुलासा कर सके कि सिर्फ नौजवान लड़कों के बारे में अब मैं बात नहीं कर रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई ऐसी बच्चियां भी है जो आज नशे का शिकार हो रही है। तो क्या वजह है कि हमारी नस्ल, नौजवान नस्ल जो है वो इस नशे के पीछे भाग रही है? नशे से उन्हें क्या मिल रहा है? मैं तो एक मुहिम यहां पर छेड़ा हुआ हूं, मैं पुलिस कमिश्नर से बार बार ये बात कहता हूं कि अगर हमने पिछले 2-3 साल के अंदर हमारे शहर के अंदर जितने क्राइम के बड़े वाकयात हुए हैं, जितने मर्डर्स हुए हैं, अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, या तो मारने वाला नशे में था, या मरने वाला नशे में था, या दोनों नशे के अंदर थे। आप सोचिए हिलाल कॉलोनी के उस केस के बारे में जहां पर वो एक नशेखोर इंसान ने जब एक लड़के का मर्डर किया, तो उस मर्डर करने के बाद उसने उसके जिस्म के पीछे के हिस्से को जिस तरह से गोश्त काटते हैं वैसे गोश्त के टुकड़े उसने काटा, कुछ कागज कुछ पत्ते जमा किया, लकड़ी के अंदर उस गोश्त को डाला और जैसा कबाब को भूनते हैं वैसा कबाब को भूना। मैंने बेगमपुरे के पीआई ने मुझसे यह बात कही और उसने कहा कि मेरी तकरीबन 28 साल की सर्विस है, मैंने इतना भयानक केस मेरे 28 साल के करियर के अंदर देखा नहीं। चिकन थाने के अंदर जब मर्डर हुआ, दो मोटरसाइकिल के ऊपर जाने वाले नशेखोर आपस में लड़ लेते हैं, गाड़ी रोकता है, एक छुरा निकालता है और दूसरे के अंदर छुरा घोंप देता है, तो सिर्फ मर्डर नहीं करता है, मर्डर करने के बाद उसकी आंखें निकालता है और आंखें निकाल के गोटी जिस तरह से खेलते हैं हम, गोटियां जिस तरह से खेलते हैं वैसा वो खेल खेलता है। ये वाकयात मैंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मैंने ये बयान किए कि अगर इसके ऊपर अगर हम रोक नहीं लगा सके तो आज नशा करने के बाद वो किस हालात के अंदर है, किसका मर्डर कर रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जेलर ने कई मर्तबा कहा कि साहब ऐसे कई सारे लड़के जब जेल में आते हैं वो हमको ये बताते हैं कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं चला था मैं क्या कर रहा हूं, उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि मैंने किसी का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद ऐसे उसके साथ ऐसे भयानक तरीके से उसके साथ मैंने खेल खेला। तो आज ये हम सब की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हम किस बात का शिकार हो रहे हैं, हमें बैठना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। यकीनन ये किताब मेरे काम की भी है, मैं भी इसे पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं, कि जो हम एक पैगाम दे सकते हैं नौजवानों को। यकीनन आज हम इस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे वालदैन यहां पर है, आज हर घर में हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है, अगर हम स्मार्टफोन नहीं दे तो बच्चा नाराज, और अगर हम स्मार्टफोन दे देते हैं तो उसके हाथ में हम सारी दुनिया उस छोटे से मोबाइल के अंदर दे दे रहे हैं, और फिर उसमें वो क्या देख सकता है क्या नहीं देख सकता है ये किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, 14 साल का हो। कहीं ना कहीं इन बातों को बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। आज कई ऐसे वाकयात मैं अपने ऑफिस के अंदर, कई ऐसे केसेस मैं अपने ऑफिस के अंदर हैंडल करता हूं जहां पर हमारे माशरे की, हमारी घरों की बच्चियां, अच्छे अच्छे घरों की बच्चियां
कैसा बैरखान के लड़कों के साथ भाग रही है। हर हफ्ते में कम से कम दो दो तीन तीन केसेस ऐसे आते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं हमें इन बातों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। और यकीनन इसके लिए सबसे अच्छा जरिया अगर कोई है तो मैं समझता हूं मौलाना नसीर मेहताही साहब जब जुमे का खुतबा देते हैं तो उस खुतबे के साथ इन बातों के ऊपर हमें चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, कि आज हकीकत में क्या हो रहा है। वो हकीकत हमको बताने की, हमको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे ताल्लुक से ये कहा गया है कि मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कोई ना कोई तो चाहिए पार्लियामेंट के अंदर सच्चाई बोलने वाला, कोई ना कोई तो चाहिए पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के सच बयानी करने वाला। और मुझे खुशी और फख्र इस बात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआएं थी, ये आप लोगों की मेहनत थी कि जिसकी वजह से आज मैं पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं दो टर्म का एमपी है, तीन टर्म का एमपी है। अगर किसी से पूछ ले कि ये कौन है, किस स्टेट से आता है, किस पार्टी से आता है, कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन 550 एमपी से पूछ ले कि ये बंदा कौन है तो कहेंगे कि औरंगाबाद से आने वाला एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से। आज कहीं ना कहीं सच को छुपाया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, सच को कुचला जा रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सच भी कहे। मुझे डॉक्टर साहब ने ये किताब भेजी थी, लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसका इतराफ करता हूँ कि मैं अभी तक इसे पढ़ नहीं सका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब भी ऐसी किताबें मिलती है, दिल्ली का सफ़र 2 घंटे का होता है तो मैं ये किताबें फ्लाइट में लेके जाता हूँ और जितना हो सकता है, क्योंकि वही एक वक्त मिलता है कि यहाँ पर हम अपने नॉलेज के अंदर इजाफा कर पाते हैं, वरना यहाँ पे तो हमें नानफलियों की दावत और उद्घाटनों के अंदर ही बिजी रखा जाता है। मैं खासतौर से डॉक्टर सना कादरी खिलजी और डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी साहब दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डॉक्टर साहब कादरी साहब से ये इल्तजा करना चाहूँगा कि आप हमारे नौजवानों के बीच में आइए, जितने ज़्यादा लेक्चर्स हो सके, जितने ज़्यादा आप केसेस को हाईलाइट कर सकते हैं वो करिएगा, क्योंकि ये जहर जो है ये अगर आप समझ रहे होंगे कि आपके घर से बहुत दूर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोगों को मैंने मिला हो, देखा हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम गफलत में रहे और पता चला कि ये जहर हमारे घर तक भी पहुँच गया है, तब बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए अभी से जितनी हो सकते हैं उतनी एहतियात बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस हौसले से आपने यहाँ पे बातें कही हैं बहुत ही उमदा। और कुछ सोशल इश्यूज हैं जिस पे आपने बहुत ही बारीकी से कटाक्ष किया है, और एक बात बहुत जरूरी थी कि आज ही हम लोग अपने घर के इर्द गिर्द देख ले, कहीं ये जहर हमारे घर तक ना आ जाए। ये बात हम सभी को जाननी चाहिए। हमारे बीच में एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, हम सभी लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस चीज़ ने हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारे घर के आसपास के सभी लोग हमसे दूर किए हैं, जिसे एक छोटा शैतान मैं कहूँगा। उस चीज़ को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और आपके घर में बच्चे हैं या फिर युवा हैं, नौजवान हैं, तो उनके फ़ोन पर भी थोड़े से ध्यान रखिएगा। ये जरूरी है समय के, जैसे सर ने आज कुछ इंसिडेंट्स दिखाए मर्डर केसेस के बारे में बात की, इसके पीछे भी, यानी कि आज की जो किताब है हम और हमारी नफ्सियाती सेहत, साइकोलॉजिकल डिजीज जिसे कहते हैं, मर्डर करने के पीछे भी साइकोलॉजी होती है, नशा उसको सपोर्ट करता है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस होता है वो बहुत खतरनाक चीज है। तो हमें बिल्कुल ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। और इस प्यारे से मंच पर अब हम और हमारी नफ्सियाती सेहत के राइटर डॉक्टर सना खिलजी जी अपने जज्बात बयां करेंगे। उन्हें इंट्रो करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं मोहम्मद खिलजी जी कि वे उनका इंट्रो करें। डॉक्टर सना कादरी खिलजी बचपन से ही बहुत जहीन और मेहनती है। इन्होंने 4वीं क्लास में पूरे मराठवाड़ा में 10वां मकाम हासिल किया और 10वीं क्लास में
पूरे मराठवाड़ा में 13वां मकाम हासिल किया। 2002 के महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET एडमिशन में एग्जामिनेशन में आला पोजीशन हासिल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC औरंगाबाद में एडमिशन लिया और 2009 में डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड DNB न्यू दिल्ली में एडमिशन लिया और 2012 में पहले अटेम्प्ट में DNB साइकेट्री में आला नंबर आपके साथ पास हुए। इस कोर्स की ट्रेनिंग उन्होंने मेंटल हेल्थ सेंटर औरंगाबाद से की। इसके बाद सी शेल्स यूनिवर्सिटी से MD साइकेट्री किया। 2012 से अब तक वो हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस निमहांस बैंगलोर से पेरिनेटल मेंटल हेल्थ या औरतों की नफसियाती सेहत का 3 महीनों का सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल किया और निमहांस बैंगलोर का 6 महीनों का एडिक्शन मैनेजमेंट यानी नशा मुक्ति का सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल किया। फिर इंडियन एसोसिएशन फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ ICAM से 1 साल का चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री यानी बच्चों और 9 उम्रों की नफसियाती सेहत और सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल किया। इन्होंने 3 किताबें लिखी है जो कि काफ़ी मकबूल हुई हैं, जिनमें पहली वुमेन साइकेट्री वर्ल्ड है और दूसरी किताब नो योर चाइल्ड है। तीसरी किताब जिसका इजरा है हम और हमारी नफसियाती सेहत। सना मैम, हम आपको इस्तकबाल करते हैं। तालियां इसके लिए जोरदार हो क्योंकि एक माँ का इंट्रो एक बच्चा कर रहा है। जोरदार तालियां हो। मैं नाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने आभार बयान करने के लिए मत भूलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उर्दू में मैं इतनी माहिरियत नहीं रखती हूँ। ये जो किताब लिखी है, मैंने पहली 2 किताब इंग्लिश में लिखी लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू स्पीकिंग था, तो फिर मेरे को ये हुआ कि उर्दू में बुक लिखनी चाहिए, तो मैंने अक्सर किताब जो है स्क्रिप्ट हिंदी में लिखी है और मुझे कई सारे लोगों ने उसमें मदद की है। सबसे ज़्यादा मौलाना मदनी साहब की मदद है जिन्होंने हमको उर्दू में स्क्रिप्ट करने में मदद की है, डॉक्टर आयशा की मदद है, इम्तियाज़ भाई की मदद है, ये सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको किताब कंप्लीट करने में मुझे और डॉक्टर फैसल को मदद की है। इन सब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी और जो डिग्निटरीज हैं स्टेज पे इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी साहब, मौलाना नसीम साहब, शोर खुसरो साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मौलाना मदनी साहब, मौलाना जुनेद साहब, मुफ्ती नईम साहब, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर मेराज। मैं आज जो है आप लोगों को नफसियाती बीमारी क्या होती है ये शॉर्ट में बताऊंगी। ये बीमारी जो है जो इम्तियाज़ साहब ने हमको बताए हैं कि जो केसेस बताए उन्होंने, जो ग्राउंड रियलिटी बताई कि इस तरह से मर्डर किया, इतना ख़तरनाक मर्डर किया और फिर बाद में उसकी बॉडी को भून के खा लिया या फिर उसकी आँखें भून के खा ली, ये नफसियाती मरीज ही है जिनका इलाज नहीं हुआ है। ये मैं आपको 100% 200% बोल सकती हूँ। ये मरीज थे, इनका इलाज नहीं हुआ, इनको सोसाइटी में ऐसे ही घूम रहे थे, नशे की हालत में किया होगा एक, लेकिन नशे के पीछे नशा भी एक नफसियाती बीमारी है। इनका इलाज नहीं हो पाया, इस वजह से ये लेवल पे गए। ये बीमारियाँ होती क्यों हैं? आपके दिमाग में कुछ कीमियाई मादे होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स, ये केमिकल्स जिनको कहते हैं हम, उनकी तब्दीली हो जाती है। वो तब्दीली होने की वजह से एक दूसरा जो है सोशल, किसी के लाइफ में जो स्ट्रेसर्स आते हैं, तीसरा आपका सोचने का ढंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके कोई बीमारी जन्म लेती है। सिर्फ जैसा हम डायबिटीज़ बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है उसमें, आपके खाने की आदतें होती है, वैसा ही दिमागी बीमारी जो होती है इसके अंदर हमको तीनों चीज़ें मिलके बीमारी जन्म लेती है। फिर आपको आराम आते हैं, घबराहट, बेचैनी, उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद की तकलीफ, सर दर्द, जिस्म में अलग अलग जगहों पर दर्द होना, इस किस्म के आराम पेश आते हैं। अब इसका इलाज कैसे करते हैं? और हम अगर इलाज नहीं करते तो खुदकुशी करेंगे या फिर मर्डर करेंगे, या नहीं तो घर में ही चिड़चिड़ापन कर लेंगे, झगड़े कर लेंगे, डिवोर्स हो जाएगा या फिर एक दूसरे के साथ मारपीट होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, इस शक्ल में ही बाहर आएगा। लेकिन जड़ जो है दिमागी तौर पर है, उनका जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना पड़ता है। अब वो दुरुस्त किस तरह से करते हैं? एक दवाओं के जरिए, ये जो केमिकल, एक केमिकल घट गया है, एक केमिकल बढ़ गया है, उसको दुरुस्त हम दवा के जरिए करते हैं। एक इलाज की तरतीब,
दूसरी इलाज की तरतीब ये होती है कि हम काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी, जिसको हम आम जबान में काउंसलिंग करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इंजेक्शंस देते हैं। अब दवाओं में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपको, वो हमारी देने की चीज़ होती है। मैं एक जो सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं उनके ऊपर एक नज़्म लिखी है मैंने, मेरी उर्दू जितनी भी जैसी भी है मैंने एक नज़्म लिखी थी, उस नज़्म का नाम है बीवी, मुझे आपके प्यार मोहब्बत। खानदान की बहू को दहेज की जोड़ी में रत्न बना डाला, मेरी अहमियत को मेरी जिल्लत बना डाला, तब आपने मुझे संभाला। वक्त गुजरा और प्यार मोहब्बत इज्जत अदब सब फीके पड़ गए, ना इत्तेफाकियां, दुनिया के मसले मसाइल, रोजी की भाग दौड़, बच्चों की परवरिश, इस बीच हम कहाँ छूट गए ये समझ ही ना आया। पर ये जरूर समझ आया मैं शैतान कि शैतान ने हम की जगह को मैं से बदल डाला। ऐ शादीशुदा जिंदगी, तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर अब शायद तुम्हें ये जानकर खुशी ना हो कि ये बीवी अब शैतान के बहकावे में आने वाली नहीं, ये तुम्हारी चालों को समझ गई है, इसको अपनी कुर्बानियों पर नाज है, क्योंकि यही उसकी जन्नत का राज है, और उसने शैतान के अहम को उसका वहम बना डाला। माफ करना है शैतान, तेरी मेहनत बर्बाद हो गई, पर ऐ शैतान तू अपनी कोशिश जारी रख, और हर उस बीवी जो तेरे रास्ते से बहक गई हो उसे रास्ते पर ला, क्योंकि उनका दिल अब तेरे बहकावे में आता नहीं, वो जान चुकी है उनकी जन्नत उनके शोहर की इताअत में है। और जहां तक रही मेरी बात, वो क्या है ना, मैं बीवी हूँ, जरा जल्दी बहक जाती। ये नज़्म मैंने इसलिए लिखी थी, आमतौर पर ये जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर औरतें होती हैं, और ये अक्सर औरतों की कहानी होती है कि शादी के शुरू में कुछ अलग तवक्को लेकर जाते हैं, फिर वो पूरा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है तो फिर स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, एक ख्याली दुनिया में जो उन्होंने सुनी होगी, कहानियों में पढ़ी होगी या फिर मूवीज में देखी होगी, ऐसी ख्याली दुनिया के साथ जाते हैं वो अपने ससुराल में, नहीं तो स्ट्रेस में आते। फिर वहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो औरतों में पेश आता है, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, सास ने बोल दिया, ननद ने बोल दिया, बहू ने बोल दिया, ये मसला फिर स्ट्रेस में आता है, फिर अलामत आते हैं, फिर उसके बाद अब ये सब जो मसले हैं इनका हल क्या है, हम रोज़मर्रा में हमारी जहनी सेहत को बेहतर कैसे बनाएं, हमको हम इसको CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें हम सोचने के ढंग को बदलने की कोशिश करते हैं। आपका सोचने का ढंग, आपकी बचपन से परवरिश, आपके एक्सपीरियंसेस और आपका जो कुदरती बनावट है, ये सबका मिलके बनता है। तो अब हम इस सोचने के ढंग को बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, अब समझ लो किसी ने किसी को ताना मार दिया, टेढ़ा बोल दिया या गुस्सा बोल दिया, उसके गुस्से के रिप्लाई में मर्डर कर लेना, मर्डर नहीं करना या फिर पटाखे नहीं बोलना, ये कैसे सिखा सकते हैं हम, तो सोच बदलनी पड़ेगी हमको, बचपन से परवरिश में मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं तो आज मेहनत कर सकते हैं हम कि भाई आप अजय सोचकर ही कर सकते हो। औरतें अक्सर सबसे ज़्यादा, मेरे जो पेशेंट्स होते हैं सबसे बड़ा स्ट्रेसर होता है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, मैं आधा दिन यही सुनती हूँ, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, और उससे मेरा सर दुख रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, बॉडी एक्स हो रहे हैं। अब मैं जब स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे ना बोले या ये दीनी तौर पर सोचने लग जाए, कॉग्निटिव करेक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो अपने आप अलामत में अगर जब्त कर लेते हैं अलामत, तो क्या होता है, दांत के लिए बैठने लग जाती है, मुझे उसको ननद ने कुछ बोल दिया, दांत के लिए बैठने लग जाएगी, हाथ पैर टेढ़े होंगे, बेहोश होंगे, चक्कर आएंगे, और वापस बोलेंगे तो झगड़ा होगा और ज़्यादा अलामत आएंगे, क्योंकि झगड़े बर्दाश्त की ताकत नहीं होती। तो अब इसको दूर कैसे करें, अब गुस्से के तौर गुस्सा आता है किसी को, तो हमको गुस्सा दूर करने के लिए एक बात याद करनी है कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी भूख अल्लाह के नज़दीक इतने बड़े अजर का हामिल नहीं जितना गुस्से का भूख पी जाना, जिसने उसे सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनूदी के लिए पिया है। मुझे अजर चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में अच्छा बनना है, तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी, और ये भूल बना रहा है, गुस्से में बात ही नहीं करनी है, बात करो आप खुद देखोगे आप 4 से 8 बोल जाओगे, 1 घंटा 2 घंटा हर एक का अलग टाइम होता है, गुस्सा नहीं करना है। एक दफ़ा एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा मुझे आप कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में जाऊँ, तो हुज़ूर ने उसको रिप्लाई दिया कि आप गुस्सा मत करो, सिर्फ इतना एक अमल करो, अगर मुझे जन्नत में जाना है, हम ये सोचेंगे मुझे, मैं तो दो, उसने बोल दिया मैं 4 बोल सकती हूँ, मैं उसका बदला ले सकती हूँ, पर मैं बदला इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे जन्नत में जाना है और मुझे हुज़ूर ने ये सीक्रेट बताया। अगर हम इस तरह से सोचें, और एक हदीस, मैं सिर्फ गुस्से के बारे में बोल रही हूँ, सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, कि अगर हम वर्जिश करते हैं तो वर्जिश बोल रही हूँ ये कुश्ती लड़ते हैं,
तो किसी ने जो हम जिसको गिरा देते हैं वो आप वो जीतता नहीं है, जो गुस्से को कंट्रोल करता है वो जीतता है। ये हदीस है, अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो अपने आप हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। अगर भी मैं बदला ले सकती हूँ, अगर हम दुनियावी तौर पर सोचें तो मैं क्यों चुप बैठूं, मैंने मैं मेरा क्या जाता है। लेकिन इस तरह से हम इसको रिलीजियस सीवीटी बोलते हैं। ये मैंने अपने वालिद साहब से सबसे शुरुआत में सीखी और धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करते गई हूँ और इससे हम जितना बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इस स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या थी आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है इसमें सबसे उम्दा लाइन? मतलब पूरी स्पीच ही उम्दा थी, लेकिन कुछ लाइन में बहुत लोग खुश हुए, कुछ लोगों ने वाहवाही बतोरी, खास करके जो जो मर्द लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं बीवी हूं, मैं क्या लाइन लिया भाई साहब आप जरा, मैं बीवी हूं मैं जल्दी जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की। और मैं हमारे दोस्त जी ने कहूँगा फैजल खिलजी साहब, ये जो जोड़ी आपकी बनी है खिलजी साहब, आपने कहीं मन्नत मांगी थी शादी से पहले? दुआ की थी आपने, बहुत ही अच्छी दुआ कबूल हुई आपकी। बीवी मंच पर आकर शुक्रिया अदा कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये बात होगा तालियां हो जाए। और हमारे ये जो मेहमान मौजूद हुए हैं मिस्टर बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी, मराठवाड़ा में पहली बार बैरिस्टर की डिग्री किसने ली है तो वो ये व्यक्ति है, बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी। और ये जो बैरिस्टर डिग्री है मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने जो यूनिवर्सिटी है लंदन लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली है और अपने आप में ये पढ़ाई का एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। और इन्हें इस्तकबाल करना हमारी जो है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे बात करने के लिए, उनकी दिलखुशी करें डॉक्टर फैजल खिलजी साहब, जोरदार ताली से उनका आप भी स्वागत कर सकते हैं। और ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम और हमारी नफसियाती सेहत के राइटर, मैं गुजारिश करना चाहूंगा डॉक्टर फैजल कादरी खिलजी साहब से कि वे अपने अल्फाज यहाँ पे बयां करें और उनका इंटरव्यू करने के लिए हमारे बीच मौजूद है यूसुफ जी। डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी साहब ने 2007 में MBBS ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से मुकम्मल किया। फिर 2011 में उन्होंने PDU गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजकोट से सेकेंडरी में MD मुकम्मल किया और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल की। 2012 तक उन्होंने सायन हॉस्पिटल मुंबई में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर की खिदमत अंजाम दी। 2012 से अब तक वो हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल औरंगाबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2020 में उन्होंने निमहांस बैंगलोर से ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स एडिक्शन मैनेजमेंट में मुकम्मल किया। 2021 में उन्होंने ICAM से ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स चाइल्ड सेकेंडरी में मुकम्मल किया। नशा मुक्ति और मर्दों के नफसियाती अमराज में उनको खास दिलचस्पी है। डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे मौजूद प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, हम सब के दिलों की धड़कन हैं माशाल्लाह, और मौजूद गेस्ट डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी साहब, मौलाना नसीम साहब, मुफ्ती नईम साहब, जनाब शारिक नक्सपंजी साहब, जनाब शकीब खुसरो साहब, मौलाना अब्दुल कदीर मदनी साहब, बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब, आप तमाम का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने शिरकत की। मैं अपनी बात को शुरू करूं, इसके पहले एक नज़्म मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो कि इस मौजू से काफ़ी
कनेक्शन रखती है और जो नशे का जो मसला है हम सबके सामने, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग गौर करें कि आखिर ये नशा जो है इससे हम कैसे लड़ें और इसका कैसे सामना करें, और एक नशे में डूबे हुए इंसान की क्या कैफियत होती है, वो मैंने इस नज़म के ज़रिए से कोशिश की है कि आप लोगों के सामने पेश करूँ। बता क्या सोचता है तू, नशे ने किसको मारा है, मेरी नजरों से देखो हर तरफ डर का नजारा है, कहीं रोती जवानी है कहीं घुटता बुढ़ापा है, कहीं चीखें है बच्चों की कहीं बीवी का मातम है, कहीं है दर्द की आहें कहीं सिसकी नहीं रुकती, हुआ क्या मुल्क को मेरे ये बदली क्यों नहीं छटती, तुझे ऐ देश दीपक इस अंधेरे को मिटाना है, तू रंगी है कलाकारी नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाजारी, तू रब की है कलाकारी नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाजारी। नशे ने जिंदगी बर्बाद की, लूटा है तेरा घर, नशे ने जिंदगी बर्बाद की, लूटा है तेरा घर, नशे की फांस में फंसती तमन्नाएं तेरी सारी, नशे की फांस में फंसती तमन्नाएं तेरी सारी, नहीं जीवन मिला तुझको यूं ही बर्बाद करने को, तू रब की है कलाकारी नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाचारी, तू रब की है कलाकारी नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाचारी। कभी सोचा तू बनना चाहता था क्या बना है तू, कभी सोचा तू बनना चाहता था क्या बना है तू, अरे पहचान जा खुद को खुदी को ढूंढ के ला तू, अरे पहचान जा खुद को खुदी को ढूंढ के ला तू, तड़पते हैं तेरे अपने वहां अब होश में आ तू, तू रब की है कलाकारी नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाचारी, तू रब की है कलाकारी नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाचारी। ये आखिरी है। नशा हो देश भक्ति का, नशा हो इश्क बारी का, नशा हो देश भक्ति का, नशा हो इश्क बारी का, नशा माँ बाप की ममता, नशा हो इश्क नबवी का, नशा माँ बाप की ममता, नशा हो इश्क नबवी का, नशा कुछ कर दिखाने का वतन की शान बढ़ाने का, तू रब की है कलाकारी नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाचारी, तू रब की है कलाकारी नशे नहीं है तू महामारी, नशे में डूब कर क्यों तू दिखाता है युलाचारी। तो जैसा आप
लोगों ने सुना कि नशा जो है वो एक अच्छे खासे इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। और अक्सर जो लोग, मैं नौजवानों से ये कहूंगा कि जो ये नशे की प्रॉब्लम में आगे चल के फंसते हैं, इनमें से किसी ने भी ये सोचा नहीं होता है, ख्वाबों में भी नहीं इन्होंने तसव्वुर किया होता है कि ये नशे के आदी हो जाएंगे और ये वो काम करेंगे जिन कामों को करने से ये खुद नफरत करते थे और इनको डर लगता था, ये सारे वो काम करें। आप जो लोग आज जेलों के अंदर बंद हैं, हमारा जेल भी विजिट होता है, हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग के दरमियान ओपीडी भी रही, मैंने कई नौजवानों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे, तो कहने लगे कि सर बस हमसे ये गलती हुई कि हमने जो है हमने नशा कर लिया था, हमने जो है इरादा हमारा नहीं था, लेकिन नशा करने के बाद में हमें जो है हमारे ऊपर हमारा काबू नहीं रहा और गुस्से में हमने ये एक्ट। तो ये बात समझ में आती है कि नशा जो है बेसिकली ये इंसान को धीरे 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 जो है चेंज कर देता है। उसकी तफसीलात में जाने के लिए वक्त नहीं है, किताब जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नशा जो है ये इंसान के दिमाग को हाईजैक कर लेता है। जब इंसान पहली दफा नशा करता है तो आमतौर पे इरादा ये होता है कि भाई बस ट्राई करके देखेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, दोस्तों ने बोला है कि बहुत अच्छा लगता है, या फिर भाई नींद नहीं आ रही, बहुत दिनों से नींद का प्रॉब्लम है, लोग बोल रहे हैं भाई तुमको नींद की शिकायत है तो जो है डॉक्टर के पास जाओ, किसी को कंसल्ट करो, पर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो लोग पागल कहेंगे, तो इससे बेहतर यह है कि भाई अपन जो है थोड़ा ड्रिंक करके देख लेते हैं, या ये टैबलेट जो मेडिकल पे मिल जाती है, कुत्ता गोली बोलते हैं इसको, जो है बटन बोलते हैं, बहुत लोग आजकल ले रहे हैं अपने दोस्त लोग, तो ट्राई करके देखते हैं क्या मसला है, अपने को उससे नींद आ जाएगी और कुछ नहीं। नशा आप जब करते हैं तो आपको अच्छा जरूर लगता है, लेकिन नशा धीरे 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 आपके दिमाग को इस तरीके से हाईजैक करता है कि उसके बाद आपको नशा करना ही अच्छा लगता है, नशा नहीं करते हैं तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना आपको खाना अच्छा लगता है, ना आपको माँ बाप अच्छे लगते हैं, ना आपको अपना काम अच्छा लगता है, ना आपको जो है अपने दोस्तों में वक्त गुजारना अच्छा लगता है, आपको सिर्फ नशा करना ही अच्छा लगता है। डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है जिसको ये हाईजैक कर लेता है और बाद में इंसान मजबूर होता है कि अब तो इसके बगैर नींद ही नहीं आती, अब तो नशा किए बगैर जो है मेरे हाथ थरथराते हैं, मैं काम ही नहीं कर सकता हूं, अब तो हाल ही हो गया है कि किसी से बात करना है ना तो भी पहले थोड़ा सा नशा करना पड़ता है, वरना मैं बात भी नहीं कर सकता हूं, मेरी ऐसी हालत हो जाती है, इतना थरथर करता हूं। तो ये सिचुएशन में इंसान जो है वो ओवरनाइट नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। इसीलिए मैं जो है आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग नशे में आज मुब्तिला नहीं है, हमारी नौजवान पीढ़ी को मैं कहूंगा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और कभी कभी गलती से भी उस तरफ ना जाएं, क्योंकि वो जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है। दूसरी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हम जानते हैं किसी को जो इस प्रॉब्लम में मुलव्विस है, उनसे नफरत ना करें, उनको उनको नीचा ना समझे, उनको जलील ना समझे। देखिए, बुराई को से नफरत करो, बुरे से नफरत मत करो। हमारे नबी ने यही सिखाया है, आप शराब से नफरत करो, शराबी से नफरत मत करो। आप उन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत दीजिए, ये लोग हमदर्दी के प्यासे होते हैं, ये खुद जो है अपने आप को कई बार जो है सजा इसलिए देते हैं कि ये सोचते हैं कि हम कितना कोशिश करते हैं लेकिन वादे करते हैं, सबको बोलते हैं, घर वालों को प्रॉमिस करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये जो है ना ये परेशान लोग होते हैं। मेरे पास, मैं एक एग्जांपल दूंगा सर, एक पेशेंट था, वो कई मर्तबा शराब के नशे में मेरे ओपीडी में आया, मेरे केबिन में आके रोया और कहा उसने कि सर मैं ये छोड़ना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, मेरे से होता ही नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आओ। वो कई मर्तबा आया मेरे केबिन में, ओपीडी में आया, हमारे हॉस्पिटल में उसने कई बार वॉमिट किया, कई बार उसने जो है ये सब चीजें की। हमारे को ऐसा लगता था, कई बार स्टाफ भी बोलता था सर आप उसको क्यों बार बार अंदर ले लेते हो, उसके पास तो पैसे भी नहीं है। मैंने बोला नहीं, हम नहीं जानते ये इंसान अगर सुधर गया तो ये कितना आगे जाएगा। वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीनों के बाद दिल में समझ में आई, उसने मेडिसिन रेगुलरली ली और माशाल्लाह उसने उसकी लाइफ एक कंप्लीट टर्नओवर हो गई। वो इंसान पूरे मोहल्ले के लिए सरदर्द था, आए दिन झगड़े, लोगों को मारना, गाली गलौज,
घर वाले परेशान थे, घर वाले उसके मरने की दुआ देते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मोहल्ले के लिए एक रहमत बन गया है, सबकी मदद करता है, सबकी परेशानियों में हेल्प करता है, मस्जिद के अंदर जो है सबसे आगे रहता है, तहज्जुद की नमाज में पहुंच जाता है। तो मैं बता नहीं सकता कि मैं जो है जब वो इंसान पहली मरतबा मुझे मिला था मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने किसमें क्या खूबी रखी हम नहीं जानते। अगर इसी तरीके से हम किसी नशे वाले इंसान को अगर हम उसको थोड़ा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह वो तो बनेगा, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली, उसका मोहल्ला और मालूम नहीं कौन कौन जो है आप लोगों को दुआएं देंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही पे मेरी बात खत्म करूंगा कि हम जो है ऐसे मरीजों को और जो भी नफ्सियात की बीमारियों में मुब्तला लोग हैं उनको जो है हम हेल्प करें, सपोर्ट करें और उनको सही इलाज की तरफ लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए कुछ लोग ऑलराउंडर होते हैं, ये डॉक्टर के साथ साथ राइटर भी है और राइटर ही नहीं लिरिक्स राइटर है। एक बार के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेशन राइटिंग के साथ। डॉक्टर फैसल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नशा जो है पहले कुछ पैमाने में लगता है और एक दौर ऐसा आता है कि हम चाहकर भी इसे छुड़ा नहीं सकते। नौजवान और जितने भी हमारे आसपास लोग हैं तो ये नसीहत उन तक जरूर पहुंचाए क्योंकि नशा छुड़ाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ये चैलेंज हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल करता है। मैं अब इसके बाद अंदाज़ बयां के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मुफ्ती नायब साहब जी को और हमारे सभी के चहेते खासदार इंडिया जलील साहब, उन्हें और एक मीटिंग है जहाँ उन्हें जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा करें कि वक्त निकाल कर वो यहाँ पर आए और बुक रिलीज के मौके पर उन्होंने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगले अल्फाज़ बयां के लिए, मुफ्ती नईम साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामु अला नबी मुस्तफा वअला आलिही मुस्तफा वअला असहाबिही मुक्तना वअला मन तबा बिलहुदा अम्मा बाद। फक़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु वतआला ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة عاما قال لما حشرتني عاما وقد كنت بصيرا. معزز جناب ڈاکٹر عزیز قادری صاحب، جناب ڈاکٹر فیصل خلجی صاحب، मोहतरमा डॉक्टर सना कादरी साहिबा, डॉक्टर मेराज कादरी साहब, मौलाना नसीमुद्दीन साहब, जनाब शकील खुसरो साहब, शारिक नक्शबंदी साहब और बैरिस्टर उमर फारूक साहब और मुअज्जज भाइयों बहनों, इस वक्त डिप्रेशन, स्ट्रेस, तफक्कुरात, उलझने दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने के असबाब क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं और अभी ये 10, 12, 20 साल के अंदर डिप्रेशन की बीमारियों में, तफक्कुरात में, उलझनों में, स्ट्रेस में बहुत इजाफा हो रहा है तेजी से। उसकी असल वजह क्या है, इस स्ट्रेस और डिप्रेशन के बढ़ने की असल वजह जहां तक मैं समझता हूं वो है अल्लाह से दूरी, अल्लाह से गफलत, बेरहमी। और रात में हमारे नौजवान लड़कों का, नौजवान बेटियों का, करीबुल बुलूग बच्चों का और बच्चियों का गंदी गंदी फिल्मों को देखना, गंदे गंदे पिक्चर्स और गंदे गंदे फिल्म देखना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ना रात की नींद सही तौर पर हो रही है, ना सुबह फजर की नमाज हो रही है,
ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे उठ रहे हैं, जब शैतान चांद पेशाब कर रहा है तो जाहिर बात है कि फिर डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो अजीज भाइयों और मेरी दीदी बहनों, इसका एक ही हल है, वो क्या है? अल्लाह की याद। जैसे मेरे उस्ताद हकमान नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही ने फरमाया कि अला इन बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। इसलिए मुफस्सिर फरमाते हैं कि डिप्रेशन के सब में अच्छा क्या है? सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की जाए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह बेचैनी कैफियत तारी हो जाती थी, एक इस तरह बेचैनी। तो आप हजरत खदीजा के पास जाते थे और खदीजा से क्या कहते थे? जम्मिलूनी जम्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी। जम्मिल कहते हैं, मुज़म्मिल कहते हैं रात की चादर का ओढ़ना, और मुदस्सिर कहते हैं दिन की चादर का ओढ़ना। तो या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी रात में आप कहते जम्मिलूनी जम्मिलूनी जो है खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, कभी कहते दस्तिरूनी दस्तिरूनी खदीजा मुझे चादर उड़ाओ। ये आप सलाम पर इस्तिराब बेचैनी की कैफियत हो जाती थी, लेकिन वो दुनियावी असबाब वसाइल की वजह से नहीं बल्कि वो वही की वजह से। अब सबसे बड़ा दिल का जो सहारा होता है, आसरा होता है, वो बीवी होती है। अब खदीजा के पास जाते, खदीजा मुझे बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, पसीना आ रहा, और डिप्रेशन में यही होता है, घबराहट, बेचैनी, पसीना। तसल्ली के लिए क्या है? तसल्ली के लिए हजरत खदीजा के अल्फाज है, कल्ला ला युक्सी कल्लाह बदा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घबराइए मत, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। इन्नका तहमिलुल कल, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, तो कोई उस मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं वो तादिस साल, और गुमराह लोगों को आप रास्ता दिखाते हैं। ये अल्फाज तो ये किया करते आप सदाश्रम के सीने के अंदर एक मलमला एक जज्बा पैदा कर दिया, और वो कैफियत आपकी जो है वो खत्म हो गई। तो अजीज भाइयों और मेरी दीनी बहनों, डॉक्टर फैसल खिलजी साहब जो शुरू में औरंगाबाद आए थे तो कैसे कैसे हालात से दो चार होना पड़ा, कभी यहां दवाखाना बदल रहे, कभी वहां दवाखाना बदल रहे, कभी यहां बैठ रहे, कभी वहां बैठ रहे, कभी तो ये हो रहा है कोई शॉप दुकान जो होती है जहां पर कोई जो है कारोबार होता है उस शॉप को खरीद रहे, उसमें दवाखाना खोल रहे। लेकिन उन्होंने और उनके घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी, और अल्लाह सुभानहु व तआला ने आज इस मकाम पर डॉक्टर फैसल साहब को पहुंचाया है। मैं इस मौके पर डॉक्टर फैसल साहब और हमारी बहन या बेटी जो भी कहिए, डॉक्टर सना कादरी साहब खिलजी साहिबा, और ऐसी ही डॉक्टर सना कादरी और डॉक्टर फैसल साहब के वालिद मोहतरम जनाब अजीज कादरी साहब को और पूरे अहल खानदान को मुबारकबाद देता हूँ इस किताब के तबाह होने पर, इस किताब के नशर होने पर। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस किताब को तमाम के लिए फायदा मंद बनाए, और अल्लाह सुबहानहु व तआला पूरी उम्मत की इस किताब के जरिए इस्लाह फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही बेबाकी से आपने जिस सब्जेक्ट को रखा है उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए भी इतनी हिम्मत चाहिए, और जो बहुत जरूरी बात है जो सब्जेक्ट आपने रखा कि रात में जागने वाले नौजवान और फिर सेलफोन्स के जरिए से जो ना चीजें देखने चाहिए वो चीजें देखने वाले नौजवान, और उसके जरिए से जो बनने वाली मानसिकता है, और उस मानसिकता का रिजल्ट होता है डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। गूगल चीज नहीं आती है कि जब डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में लोग जाते हैं तब हमें जरूरत है साइकेट्रिस्ट की, ट्रीटमेंट की। लेकिन वहां जाने से पहले जो बात सर ने कही है बहुत ही उदार चीज थोड़ा साहब ने कही, और अब हमारे बीच जो मौजूद है हमारे गेस्ट मराठवाड़ा के पहले बैरिस्टर बैरिस्टर उमर कमाल परोड़ी जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह से दुआ के लिए।
डॉक्टर अजीज कादरी साहब, मौलाना नसीम मुफ्ताही साहब, शकीब खुसरो साहब, मौलाना अब्दुल कदीर साहब, मौलाना नईम साहब, मौजिज मेहमान, जिसकी किताब के इनॉग्रेशन के लिए हम आज हम तमाम जमा हुए, डॉक्टर फैसल अहमद साहब, डॉक्टर सना कादरी साहिबा और यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीमा और बहनों, मैं सबसे पहले डॉक्टर फैसल अहमद साहब को, डॉक्टर सना कादरी साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो इस किताब का किताब जो पब्लिश करवाई, ये उन टॉपिक्स को टच करता है जो आज सोसाइटी में जिस पर बात करने के लिए भी लोग एतराज़ करते हैं, इसको इसके बारे में जो अवेयरनेस की ज़रूरत थी, मेरा मुझे यकीन है कि इस किताब के ज़रिए लोगों में एक बहुत अच्छी बेदारी होगी। इसी के साथ साथ आज कौम के नौजवान जिस तरीके से ड्रग्स पर डॉक्टर फैसल साहब ने नज़म पढ़ी, हम सबको चाहिए कि हम ड्रग्स की बीमारी को, ये एडिक्शन को और मोबाइल के एडिक्शन को किस तरह दूर कर सकते हैं, इस पर काम हो। और ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा डॉक्टर फैसल साहब से कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कुछ एक मुहिम शुरू करें कि बच्चों का गुस्सा किस तरह हम कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक चंपा चौक के पास एक मर्डर हुआ, उसका मामला सिर्फ एक गुस्से के वजह से एक मर्डर कर दिया गया एक नौजवान ने। तो ये चीज़ों पर भी हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है, हम किस तरह बेदारी इस इशू को कर इस पर कर सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी जगह लेता हूँ, खुदा हाफिज़, जय हिंद। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे बीच मौजूद है मौलाना जुनैद फारूकी साहब जी से कि भी आए और अपने ख्याल बयां करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने बहुत ही उमदा स्पीच, काफ़ी कम अल्फाजों पर हमारे बीच दी, बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और पेशी खिदमत है हमारे बीच अल्फाज बयां के लिए मौलाना जुनैद फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन तमाम बातें हमारे सामने आ चुकी हैं और इतनी बातें आ चुकी हैं कि गुफ्तगू मेरे ख्याल से अब बार गुजरेंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, मैं उस बात के इंतज़ार में बैठा था यहाँ पे कि मौजू उस सफ़र करते हुए उस मकाम तक पहुँचे कि ये कत्ल क्यों हो रहे हैं। किसी ने एक कत्ल का जिक्र किया, किसी ने दो कत्ल का जिक्र किया, किसी ने इसके एक वाक़े की तरफ इशारा किया। औरंगाबाद में 64 कत्ल है 2014 से अब तक, 64 कत्ल। इसको हमने बहाने दिए, जैसा कि देवगिरी कॉलेज में एक इश्क करने वाले लड़के ने अपनी माशूका को लेकर गया और 18 बार मारकर ख़त्म कर दिया। क्या इश्क करने वाला इस तरह कर सकता है कि अपने जिससे मोहब्बत हो उसको ख़त्म कर दे? इसकी जो न्यूज़ बनी, न्यूज़ ये बनी कि इश्क में नाकामी के सबब एक नाकाम आशिक ने अपनी माशूका का कत्ल कर दिया। हालांकि मसला ऐसा नहीं था, वो 4 बटन जिसको गोलियां कहते हैं वो खाया हुआ था और 8 ड्रेसेस अपने अंदर अलग अलग किस्म के पहना हुआ था। उस सिख के घर तक हम लोग पहुंचे तो वो इकलौती एक बेटी थी जिसको उसने खोया था। औरंगाबाद में कई लोग खोए, कई कत्ल हुए, कई कत्ल होने के बाद हम यहाँ बैठे हैं, कई प्रोग्राम हुए, अवेयरनेस के प्रोग्राम हुए, तहरीक के पैर में इंसान मैदान में उतरी, हम लोगों ने मैक लिया, मैक लेकर हम गैर शहर के गली गली पहुंचे। टाइट लाइन हमने एक शेर रखा पर औरंगाबाद में कि जलते घर को देखने वालों फूस के छप्पर आपका है, नवाज देवबंदी का शेर है कि जलते घर को देखने वालों फूस के छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। हमने ये टैगलाइन के साथ पूरे औरंगाबाद को बाखबर करने की कोशिश की। एक बच्चा जिसने 7 हाफ मर्डर किए थे, डॉक्टर अजीज खादी साहब से, मुझे याद है डॉक्टर अजीज खादी साहब के पास हम लेकर गए तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे अंदाज में पूछे तुमने अभी बटन खाए क्या? तो मैं पहले शॉक हुआ कि डॉक्टर साहब पहचाने कैसा, उसने बहुत अच्छे से गर्दन हिलाया, कहा मैंने बटन खाया। डॉक्टर साहब ने कितने? पहले 1, बोले नहीं। 2, बोले नहीं। 3, बोले नहीं। कितने? उसने बोला मैं एक स्ट्रिप खा कर आया। एक गोली अगर मैं और आप जैसे सादा आदमी खा ले तो 36 घंटे हम उठ नहीं सके। डॉक्टर साहब झूल गए पे कुर्सी पे और डॉक्टर साहब ने लिखे जुनैद यहाँ पे सिर्फ दवा नहीं लिखी जा सकती, इसे एडमिट लिखा जा सकता। उसको जब हम पहुंचे थे उस तक तो लोगों ने बोला था माना 7 हाफ मर्डर कर चुका, ये 8वां कर देता आपका।
लेकिन डॉक्टर फैसल खिलजी साहब ने अपने कोट किया अपनी बात में कि ये मोहब्बत के यकीनी तौर पे क्या होते हैं, मोहताज होते हैं, मोहब्बत से बात करने पे कन्विंस होते हैं। औरंगाबाद में हमने 800 पेशेंट्स का इलाज इस खानदान के जरिए किया, इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि इस खानदान ने 800 पेशेंट्स का इलाज कराया। मेरी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है मोहब्बत की, याद रखिए रिश्ते अगर अल्लाह की बुनियाद पर हो तो कोई मसला नहीं होता। मेराज कादरी से दोस्ती इस मैदान में हुई तो डॉक्टर सना खिलजी साहब को हमने दरख्वास्त की कि एक केस हमारे पास अजीब आया कि बच्ची आकर बैठ गई और उसने बोली मेरे को इनके साथ रहने नहीं है सिर्फ 3 महीने में। क्यों? तो मालूम पड़ा कि वो उन्होंने उनको सनीचर की दिन शाम में प्रोजोन जाने का था, प्रोजोन लेकर नहीं गए तो उन्हें जाकर बैठ गई और तलाक चाहिए। ये बात जब हमारे सामने आई तो सना खिलजी साहब से हमने जिक्र किया कि प्रोजोन की वजह से भी खुले या तलाक तक बातें पहुँच रही है। तो सना खिलजी साहब ने कहा था हमको कि एक पेशेंट से काम नहीं होगा, आपको शहर में मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम करना चाहिए। हमने अल्लाह जज़ाए खैर दे दोनों मियाँ बीवी का, इन्होंने हमारा सपोर्ट किया। औरंगाबाद के 20 महलों में हमने औरतों को जोड़कर प्रोग्राम्स किए और उसमें जो केसेस आए ये किसी को नहीं मालूम है सना खिलजी ने कितने खवातीन का फ्री में इलाज किया। हम समझते हैं ये ऐसी करते हैं, यकीन मानिए ये खानदान पसे पड़ता जो काम कर रहा, मैं समझता क़यामत की जिनके जो चीज़ें आएंगी और नाकबिल बयान। इस किताब में कई मौजूआत है, मैं समझता अजीब बात है डॉक्टर सना खिलजी साहब ने अपनी बात में कोट किया कि मैं इंग्लिश से हूँ और मैं इंग्लिश लिखती हूँ, मैं उर्दू में वहाँ अब्दुल खदीज साहब मदनी मदर जिंदा अली का सपोर्ट लेकर उर्दू लिखा, मैं सलाम करता हूँ लेकिन मेरा काम गैर मुस्लिमों में है, मैं मराठी बैकग्राउंड को देखता हूँ, इंग्लिश बैकग्राउंड को देखता हूँ। मैं डॉक्टर फैसल खिलजी साहब से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब जितनी ज़रूरत इस किताब की उर्दू में है इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस किताब की मराठी और इंग्लिश में भी है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस किताब को इस तरफ भी लेकर जाएँ कि हमारे बरादरान वतन जो है जो डिप्रेशन के शिकार होकर ऐसे मजहबी अफियों के चक्कर में पड़ चुके हैं कि पागल कुत्तों की तरह किसी पे भिड़ते हैं और मॉब लिंचिंग की शक्ल में वाकया सामने लाते हैं। औरंगाबाद शहर अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बेदार हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं हमारे डॉक्टर फैसल खिलजी साहब और मोहतरमा सना खिलजी साहबा और ख़ासतौर से डॉक्टर अजीज खाजी साहब। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब जिन्हें सुनने के लिए आप सभी लोग मौजूद हुए हैं, जिनके अल्फाज सिर्फ किताबी नहीं बल्कि उनके काम से उन्हें आए हैं, एक काम का अनुभव लेकर यहाँ पे मौजूद है, जितनी उम्र है उतना उनका तजुर्बा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी जिन्होंने कही है कि ये बुक उर्दू में है, जैसे मैंने पहली बार पढ़ी तो मैं मेरा नाम भले ही सद्दाम शेख हूँ लेकिन मैं मराठी इससे पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि सर ये बुक मराठी में भी और अंग्रेजी में भी हम तक पहुंचे। और बहुत उमदा बात यहाँ पे मौलाना जुनैद फारूकी साहब जी ने की है और अब उन्हें हम सुनने जा रहे हैं जिनकी बदौलत ये पूरा काफिला चल पड़ा है। औरंगाबाद में कई सालों से अपनी सर्विस दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका इंट्रो करने के लिए एक बड़ी शख्सियत मेरे बीच मौजूद है। डॉक्टर अजीज अहमद कादरी साहब के नाम से तो आप लोग वाकिफ होंगे, इन्होंने MBBS GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से मुकम्मल किया, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज निमहांस बैंगलोर से DPM साइकेट्री किया। पिछले 40 सालों से वो नफसियाती अमराज के मरीजों की खिदमत का काम कर रहे हैं और पड़ेगा औरंगाबाद में मेंटल हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी है जिनमें जिन जादू या नफसियाती अमराज, दिमागी सेहत, कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन और होली कुरान एंड साइकोथेरेपी काफ़ी मकबूल हैं। डॉक्टर अजीज अहमद कादरी साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरी सदरी वस्सिल अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर मौजूद सभी मौजूद मेहमान मौलाना नसीम साहब, मौलाना अब्दुल क़दीर मदनी साहब और यहाँ से चले भी गए, शकील खुसरो साहब, उमर फारूक साहब और यहाँ पर सब मौजूद मेहमान, अभी ये आखिरी वक्त है और मैं आपका ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा कि मुझे आपके सबके
नफ्सियाती सेहत की फिक्र है। आपकी नफ्सियाती सेहत को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं इसलिए कहूँगा। मैं मेरी बात को शुरू किया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज कई हमारे तकारीर में आपके समझ में आया होगा शैतान का रोल, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले बिस्मिल्लाह कहने से पहले आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। उसकी वजह क्या है? औज़ु बिल्लाह इसलिए पढ़ना है कि पहले आपको शैतान को भगाना है। अक्सर लोग ये नहीं समझते कि शैतान को भगाना यानी क्या है। अगर मैं आपसे भी सवाल करूं शैतान को भगाना यानी क्या है, अल्लाह से पना मांगना यानी क्या है, आप ऐसे बताइए मुझे। सवाल मेरी आदत है, आप बताइए मुझे कि शैतान से जब पना मांगते तो आपकी दिमाग में क्या आता, क्या बताइए आपको? शैतान के वसवसे से दूर है। शैतान के वसवसे से? और देखिए मैं आपको बहुत पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा हूँ, अल्लाह की तरफ जो ना आओ, शैतान को भगाना हो, नमाजें पढ़ना हो, शैतान के बहकावे नहीं आ रहे यानी क्या? हाँ, शैतान से बचना नहीं क्या है? वसवसे क्या है? गुनाह नहीं करना। देखिए एक बहुत तो बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, भी हमारे जहन में तसव्वुर इसलिए आना चाहिए। मैं मुझे काफ़ी एक हमारे पास पेशेंट ऐसा शराब पीने वालों के काफ़ी वाक़ है। एक की बीवी बोली डॉक्टर साहब ये शराब पी लेते, और मैं इनको बोलती शराब क्यों पिए, तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये आने हदीस है हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहा कि बिस्मिल्लाह से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू करो। तो जब पहले शैतान को भगाने आने क्या, शैतान के पूरे जितने भी अमल हैं, शैतान जो जो बुरे काम कर रहा था उससे हम दूर रहेंगे। ये कंसेप्ट हर जगह है, देवी का कंसेप्ट हर नजर में, दानों का कंसेप्ट हर नजर में। तो पहले शैतान को भगाने क्या करो, जितने बुरे काम है आप जहन में लाओ कि मैं ये नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अमानत का ख्यालत नहीं करूँगा, और क्या क्या है, शराब नहीं पीऊँगा, नशे की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, खून खराबा नहीं करूँगा। आप देखिए कुरान में आप जाइए, आपको ये सब के तार से मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मगर हर एक के लिए आपको आयत मिलेगी, हर एक के लिए आपको आयत मिलेगी और तालीमात मिलेंगी। जीना से बचो, आपको आयत मिलेगी। आज मोबाइल देख लो, मोबाइल भी एक बड़ा शैतान है। देखिए एडिक्शन वाला जब शैतान के तालुक से या शराब के तालुक से जो आए थे कुरान, नफ हिमा इसमें कुछ फायदे हैं, इस्महुमा अकबरु मिन नफईहिमा, मगर उसका गुना उसके फायदों से ज्यादा है। वही हाल आज मोबाइल का है। अगर हम इस अंदाज से सोचे, देखिए आपके किसी भी अमल का दारोमदार आपके नियत पे और सोच पे, जब तक आपके दिमाग में सोच नहीं आएगी आपका अमल नहीं बदलते। तो दिन में से 5 मरतबा जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना नमाज पढ़ो बोलना है आम बात है, लेकिन जब नमाज पढ़ते तो हमारा तसव्वुर क्या होता, क्या हम इन चीज़ों से बचने का इरादा करके नमाज पढ़ते, या दूसरी नमाज के वक्त हम जायदा लेते कि हमने इसमें से कितने बुरी चीज़ें की। ये एक पहलू हो गया। देखिए सेहत के ताल्लुक से हम 4 पहलू पर बात करते हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ तो सब लोग करेंगे कि इतना कह दिए तो हम इससे बच जाएंगे, नहीं, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। हम 4 पहलू की बात करते हैं, जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी और जिसे हम रूहानी कहते हैं। तो मैं ये चौथे पहलू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस्मानी और नफ्सियाती पहलू पे पहले काफ़ी बात होगी, समाजी पहलू पे मुझे काफ़ी कुछ कहना है, लेकिन ये कहने से पहले मैं समझता हूँ इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी हमारे को बेदारी होने की ज़रूरत है। इसमें रोल ज़्यादा है, सभी का रोल है, लेकिन ज़्यादा रोल इसमें जुडिशरी सिस्टम का है, इसमें ज़्यादा रोल है हमारे लेजिस्लेटर्स का है। मैं अभी इफ्तिया जली साहब से कह रहा था कि ये बात पे मुझे गुफ्तगू लंबी करना है, तो शायद वो मसरूफ़ थे, तो लेकिन ये बात इसलिए बहुत अहम है आज, और ख़ुसूसी आज के दौर में,
इसमें उकला का भी ज़्यादा रोल है कि हमारे जो कानून है, हमारे कानून और हमारे पास की इंसाफ की सिस्टम ये किस बुनियाद पर, आप जो बुनियाद इक्वलिटी फॉर ऑल, इस बुनियाद ये बेसिक बुनियाद है, मगर हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो वहाँ जाके हम काफ़ी मसले पैदा कर देते हैं। जब भी आपने कहा कि अभी एक है वीडियो इंटेलिजेंस का वायरल हो रहा है कि जिसमें क्या कहा था, सही जगह सही आदमी, तो मैं इसके तरफ से कहना चाहूँगा कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपर पर्सन, सही आदमी को सही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से मसला हल होने वाला नहीं है। इसमें होते क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के नाम पर जिसमें सलाहियत है उसे भी मिल सकता, नहीं है उसे भी मिल सकता, और नहीं होने के बाद अगर वो जगह पे जाता है तो उससे काफ़ी बड़े प्रॉब्लम पैदा होते हैं, और वो प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं हमारे पूरी लीगल सिस्टम में, हमारे क्योंकि हर कानून का एक अपना रोल है, जब तक लॉज करेक्ट नहीं होंगे, जब तक जस्टिस या जिसको आप कहेंगे अदल सही है। और जब मैं इसको कुरान की रोशनी में देखता हूँ तो कुरान ने दो बहुत अच्छे अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए, अल अदल और खिस्त, हमें अदल और खिस्त का निजाम, तो अदल क्या है खिस्त क्या है, मैं इस पर मौलाना मैं कभी अलग से इस मौजू पे बात करूंगा, ये मौजू एक अपने आप में बड़ा मौजू है, आज मैं आपकी जहनी सेहत ये मौजू को छेड़कर नहीं खराब करना चाहता, इंशाल्लाह इस पर यकीनी मैं बात करूंगा आगे, और ये मौजू इसलिए अहम है जब तक हमारे समाज के इतने जो मसले हैं हम जो देख रहे हैं ये खाली एक बयान से जाने वाले नहीं है, एक लेक्चर से जाने वाले नहीं है, एक मुहिम से जाने वाले नहीं है, इसमें मुस्तकिल चेंज होना चाहिए और उस चेंज की हमें ट्रेनिंग होना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस पर को समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब डॉक्टर अजीज कादरी जी, जो हमारी उम्र है वो उनका तजुर्बा है, और तजुर्बे से जो बातें आती है वो बहुत दिल से आती है। हम बातें कर रहे थे नशे तक, सजा तक, लेकिन सजा के बाद जहां आदमी पहुंचता है वो होता है जुडिशरी सिस्टम, यानी कि कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था की हालात आज आप लोग देख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर नाम से ही आपको जज किया जाता है। हाल ही में कुछ महीनों में अगर आप न्यूज पे चले हुए हाईलाइट न्यूज अगर देखेंगे, हाईलाइट न्यूज जो चली है, अगर आप सजग होंगे, आप किसी फैंसी दुनिया को फॉलो नहीं करते होंगे, या अगर आप अच्छी न्यूज जो समाज पे असर डालती है उसे अगर फॉलो करते होंगे, तो हाल ही में दो वाक्य, अभी इन कैमरा चल रहा है इसलिए मैं वो वाक्य नहीं बता सकता आपको, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि किसी को पकड़ा जाता है किसी की मर्डर के केस में, और कानून का रिजल्ट देने से पहले मीडिया में उसके नाम की वजह से उसे मुजरिम करार दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप नशे से बचेंगे तब बचेंगे, आपका ट्रीटमेंट होगा तब होगा, लेकिन कानून की शिकंजे में जाने के बाद जो जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ है, जो कानून व्यवस्था बैठी हुई है, उसके हालात आप जानते हैं, जो सर ने बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे बताई है। तो जितने भी नौजवान साथी हैं मेरे, तो सजग रहिए, सक्रिय रहिए, और न्यूज़ जो है उसे सिर्फ सुनिए मत, उस पर सोचिए, सोचना बहुत ज़रूरी है, और जो भी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं थोड़ा सा अपने आप को रोकिए, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया के, बहुत ही अजीब तरीके से इन्फ्लुएंसर्स आज हमारे ही कॉम के हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी डिग्रीज हैं, कॉलेज हैं, एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, पढ़ाई के साथ आपका काम हो, और काम के साथ साथ आपका जहन आपके हाथ में होना चाहिए। सर ने बहुत ही बढ़िया जज्बात यहाँ पे बयां किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्यारे से प्रोग्राम के लिए आप सभी के मौजूद हुए, हम और हमारी नफ्सियाती सेहत के राइटर डॉक्टर फैजल कादरी जी से गुजारिश करता हूँ कि शुक्रिया अदा करने के लिए वे मंच में आए, और शुक्रिया के बाद आप सभी लोगों को बैठे रहना है, इसके बाद दुआ होगी, और दुआ के बाद जो सभी लोग गुलपोशी के लिए आए हैं, गुलपोशी के लिए आपको राइट साइड से ऊपर आना है और लेफ्ट से नीचे जाना है। गुलपोशी के लिए कुछ नाम मेरे पास यहाँ पे आए हैं, तो मैं वो नाम भी यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ, उससे पहले शुक्रिया अदा के लिए डॉक्टर फैजल खिलजी जी।
जो अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, हकीकत में वो इंसान अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस ठंड के मौसम में और इतनी देर तक हम लोगों को सुना, हम लोगों की हौसला अफजाई की, हमारे तमाम गेस्ट्स और तमाम हाजरीन, आप तमाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम के लिए बहुत बहुत तालियां कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम यहाँ पहुँचे और ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पे है। साथ में मैं हमारे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, सारी जो है तारीफ और नाम जो है वो चंद लोगों का लिया जाता है, मैं हूँ, मैडम है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, किसी भी इदारे को चलाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। तो मैं हमारे हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को बहुत बहुत इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके और दिन रात एक करके अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल को यहाँ तक पहुँचाया है और आज का ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह उनकी कोशिशों से, मेहनतों से माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। और इस तरह से प्रोग्राम को मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सब बालियत के लिए सभी लोग स्टेज पर आए और इस प्रोग्राम का मुख्य जो प्रोग्राम था मेन जो है समाप्त हो चुका है।